हमारे मुख्यमंत्री ने किया, इसके लिए हम लोग सारा सपोर्ट है। फैमिली हु इज अ विक्टिम ऑफ ट्रिपल तलाक। मजे पर मार से मेरे टाइम का चलते है, तो चौराहे से मिला इसे एक तलाक दो तलाक तीन तलाक। क्या जात जोहर को ऐसे क्या ले जाओगे? इस उम्र में तो गाड़ी की नहीं दिसे। सारी देश को और ये बहुत भुक्तभोगी महिला ने ही प्रॉब्लम्स फेस करती है, हम लोग इसी के लिए 100% सपोर्ट करता है। इश्यूज ऑफ इनका बहुत मिस यूज हुआ है असम में, क्योंकि अंदर विलेज एरिया में, इंटीरियर एरिया में इलिटरेट पर्सन के लिए एक भी प्रॉब्लम हो गया। एज वी ट्रेवल अक्रॉस असम, वी आर नाउ इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर सच केस स्टडीज ऑफ वुमेन बीइंग अबैंडन्ड बाय देयर हस्बैंड in the light of the new polygamy law which is being tabled by the Assam government, and we are joined by a family who is a victim of triple talaq. So we are going to meet the family and to know more about this issue. Dear madhe kor mar se mere tanka chal se mate te ora se milai disse tanka to ek talaq do talaq tin talaq ke te kitya koise to rati na 25 din se মানে এমা হুয়া নাই আর জার বাতি সব রাখি দিছে মাইরা সারি আর কে আবরাত কিরা করতে পারে যে তাই পাইতা আইছি না না বিডি বাটির বাইক দিছি গরাক কিরা এনে গাবি সাটি সার দিছি কইছি বলে কই তোমার বাপ মারা খবর দেও আই হেরা তারা ন্যায় পেলে কি করে তারা রে করু এটা বাংলা মানুষ না তারা না বাংলা মানে তারতাম না কে যা জয় কইছে কে লে যাব কই এই তো মানে একটা গাড়িও কিনে দিছো আর বহুত টাকার মাল মাল দিছো আমি এতে হি আকো তা হে তোমার লাইন নাই তেতে আমুর ঘর জমা আনি ন মার রাখি দিছো আমার ঘর। The new Indian team is traveling in the remote areas of Assam to find out whether a polygamy law is justified or not. Today we are here in a remote area of Naugaon district. This is the Panbari village, and we are here in a family which has suffered one of the biggest losses due to a husband abandoning Haru, his wife. We will be joining with the family. বেলেগ বেদিল লাগে অত্যাচার করে মায়ের ফিট করে বাদে বাধ্য থানার ওসি সারে গিয়ে বাদে উদ্ধার করে আনছে আমার। বিরাট কষ্ট দিন যেতেছে আমার, দুইটা ফুলা ভান লইয়া বাপ একজন বুড়া ভালো করে কাম সাম করতারে না করতারে না, এরম নে মানুষ লাগে যাতে জীবনে আমার জীবনটা যেরম নষ্ট হয়েছে অন্য মানুষের জীবনটা যাতে না নষ্ট না অন্য ফিটে নেই আর কি। বাসাইছি দেখি আমার জেরে নিনে আর নিছে না, পরে 2 বছর পরে বাদে কেস করছি। আমার একটা তারি পরিয়াল আছে, তার পরিয়াল টানবো না আমার জেরে টানবো, বিরাট সমস্যা। তো দুইটা ফুলা ভান লেয়া পড়া করা কষ্ট। সারাটা আমি এটাই আমার অনুরোধ যে কি বিচার করুন লাগে, উপযুক্ত বিচার করো, আর আমার যে কিবা চলবো হেইও লাগে আমার। জুড়ে হুয়ে হ্যাঁ হাম মিশরা বেগম জি সে জো ইয়াহা কে এক সোশ্যাল ওয়ার্কার ভি হ্যায় অর মহিলা কমিটি খোল কে ये जो केस है आपको पता है अच्छे से, हस्बैंड ने उनको छोड़ के चले गए हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ गए हैं, आप जरा बताइए इसके बारे में, थोड़ा खुल के बताइए हमको। इनके तो उनका हस्बैंड 9 इयर्स हो गया उनकी छोड़ दिया, और तो केस किया डोमेस्टिक वायलेंस केस, और केस में राय हुआ 6,000। आज भी उसका हस्बैंड एक पैसा भी नहीं और दिया। सुनने में आया उन्होंने फिर से शादी भी कर लिया और दूसरे शादी भी किया, और दो बच्चे हैं, दो बच्चे को ही कोई कोई तो दूसरा शादी उन्होंने कर लिया, कर लिया। इनको कॉम्पेंसेशन नहीं दे रहे? नहीं दिया। और कभी ये वापस आके बच्चे बच्चे से मिलने आए हैं? नहीं, पूरा मतलब छोड़ के चले गए, पूरा छोड़ के चला गया। तो दूसरा शादी करने से पहले इनको परमिशन लिया था, पूछा था? नहीं लिया, डायरेक्ट उसको घर की भागा दिया, घर से भागा तो दिया। आपको क्या लगता है कि दूसरा शादी करने का एक षड्यंत्र था, इसलिए उनको टॉर्चर किया गया था? हाँ। तो ऐसे परिस्थिति यहाँ पे बहुत सारे महिलाओं के हो रहे हैं गांव में, बहुत सारा महिला के होते हैं, महिला के साथ होता है हमारे गांव तो में। महिलाओं के उसके बाद क्या करते हैं फाइनेंशियली? तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते होंगे, प्रॉब्लम फेस करता है। तो माता पिता वही तो वृद्धा हो गया, उसके लिए उसको तो पालना पोषा पालन पोषण के लिए वही तो बहुत कुछ जरूरत है, जरूरत पूरा कर नहीं पाया। खबर में आया है कि मुख्यमंत्री एक एंटी पॉलीगेमी लॉ ला रहे हैं, तो इसको आप समर्थन करते हैं?
हाँ समर्थन करती हूँ सारी देश को। और ये बहुत भुक्तभोगी महिला ने यही प्रॉब्लम्स फेस करती है, हम लोग इसी के लिए 100% सपोर्ट करता हूँ। मैं करता हूँ, मेरा सोसाइटी करता है, हम लोग करता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री ने किया, इसके लिए हम लोग सारा सपोर्ट है। तो दिस इज व्हाट द सिनेरियो हियर इज, सो दैट द मल्टीपल मैरिजेस एंड अबैंडनमेंट ऑफ द फैमिलीज कैन बी रिड्यूस टू अ बिग एक्सटेंट। वी आर लाइनिंग अप Assam Polygamy Ban Act, that is already, it is in the law department now for vetting, but we will also closely monitor the development of Uttarakhand. If Uttarakhand UCC bill is laid on 5th, then we see that that can be, it is in a, we are in a position to implement the entire UCC. Then we will see that also because our assembly is on 12, so we have some time. अभी यूसीसी के बारे में जो पॉलीगमी जो बहुविवाह बोलती है, बहुविवाह के बारे में एक गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने सुप्रीम स्तर एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया था, उसका लीगल उसका कॉन्स्टिट्यूशनल शरीयत सब देख करके एक कमिटी को एक रिपोर्ट देने के लिए एक हम लोग का निर्देश दिया था। पॉलीगमी ये पॉलीगमी के बारे में स्पेशली सब लोग के लिए ये पॉलीगमी एक सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी जो अभी ऐसे कलर कर रहा है ऐसे नहीं है, सब के लिए। लेकिन हिंदू का बात क्या है, उन लोग का सेकंड मैरिज जब करेगा, फर्स्ट मैरिज डाइवोर्स करेगा, उसका बाद सेकंड मैरिज होगा। दीज आर द स्टोरीज दैट आर अक्रॉस द स्टेट वेयर इन वीमेन हैव टू बी अ कैजुअलिटी ऑफ अ कैजुअल तलाक और अ हस्बैंड अबैंडनिंग द फैमिली जस्ट बिकॉज ही हैज द लग्जरी टू डू सो।